अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फुटबॉल पल्स। मैं आप लोगों का मेज़बान सईद जाफर। जिस तरह के हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं कैसा फुटबॉल शो, जिसमें हम यूरोप की लीग्स को डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कंप्रिहेंसिवली यूरोपियन फुटबॉल को हम डिस्कस करें। अगेन लीग्स नहीं हो रही, बट वी हैव यूरो 2020 जो 2020 में होना था, कोविड की वजह से 2021 में हो रहा है। अगेन बहुत ही अच्छे मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ पिछले जो हमने देखे मैचेस राउंड ऑफ 16 के मैचेस थे, बहुत अच्छे मैचेस थे, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग मैचेस थे। पेनल्टी शूटआउट्स पे जो है 2-3 गेम्स गई, वहाँ पे हमने देखा क्या हुआ, एक्स्ट्रा टाइम पे मैचेस जाते रहे और बहुत ही थ्रिलिंग किस्म के इनकाउंटर्स हुए। उन पे अगर हम बात करें तो हमारा जो है शो का टाइम निकल जाएगा। सो वी हैव टू फोकस ऑन क्वार्टर फाइनल्स आई बिलीव, एंड वी हैड सम रियली गुड गेम्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर फाइनल्स। दूसरे डे की जो गेम्स थी वो इतनी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं थी, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम्स हु गॉट थ्रू टू सेमीफाइनल्स। इसको और बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर तारुफ करूँगा अपने मेहमानों का। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मेहदी, फुटबॉल पल्स के सीनियर एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, गुड टू हैव यू बैक। स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम वहाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? तो आई थिंक हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेन वर्सेज स्विट्जरलैंड की। अली, अगेन इफ यू लुक बैक, स्पेन और स्विट्जरलैंड दोनों टीम्स की अनप्रेडिक्टेबल किस्म की जर्नी थी यहाँ तक, एंड वेरी ऑपोजिट। स्पेन से लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे और हमने देखा कि उनके पहले जो मैचेस हैं उसमें थोड़ा सा हमें लगा कि जी बहुत डल गेम आ रही है। सेम हैपेंड विद इंग्लैंड बाय द वे, लेकिन ये है कि फिर हमने देखा कि वो दे गॉट थ्रू और फिर मोराटा की जो परफॉर्मेंसेज हमने देखने को मिली और फिर यहाँ तक जो आए। स्विट्जरलैंड ऑन द अदर एंड हम देख रहे हैं कि नो वन एक्सपेक्टेड देम टू कम हेयर एंड द वे दे केम इज लाइक अमेजिंग। अगर हम इस मैच की बात करें तो ये जो है 1-1 यहाँ पे मैच ये हुआ, देन इट वेंट टू पेनल्टीज एंड वी नो के किस तरह जो है यहाँ से स्पेन ने जो है ये मैच जीता। कैसे देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस को स्विट्जरलैंड की और फिर वहाँ पे अगर हम बात करें स्पेन की? देखिए, अगर ये मैच देखा जाए तो स्पेन और स्विट्जरलैंड का था तो आउटराइट फेवरेट्स है। स्पेन 3 times यूरोपियन चैम्पियंस है, 2010 में वर्ल्ड कप जीते थे और उन्होंने एक्चुअली आउटराइट फेवरेट्स थे। देखिए, स्विट्जरलैंड जो थे वो एक्चुअली उन्होंने अपसेट किया तो वर्ल्ड चैंपियंस फ्रांस को और वो इधर तक पहुंचे थे, तो वो अंडरडॉग थे। तो इस मैच में इस बात में कोई मतलब दो राय नहीं है कि स्पेन एक्चुअली आउटराइट फेवरेट्स थे। लेकिन अगर मैच देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो स्पेन ने एक्चुअली काफ़ी अच्छा खेला था। टेक्निकली गिफ्टेड हैं, उनके प्लेयर्स में क्रिएटिविटी बहुत है, बहुत चांसेस बनाए थे। 28 शॉट्स थे टोटल उनके, 10 शॉट ऑन टारगेट थे। शुरू में जो हुआ था ओन गोल से उनको गोल मिला था, लेकिन फिर स्विट्जरलैंड ने फिर एक कमबैक किया था उनके कैप्टन शकीरी से, जिसने बहुत अच्छा गोल किया था उनाई साइमन को। स्पेन ने काफ़ी कोशिश किया था, लेकिन प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम थी स्पेन के साथ कि वो उनके पास एंड प्रोडक्ट नहीं था। वो बिल्कुल उन्होंने एक तो चांसेस भी बहुत मिस किए थे और साथ में ये था कि उनके फिनिशिंग एबिलिटी नहीं थी, उसकी वजह से ही एक्स्ट्रा टाइम में चला गया और पेनल्टीज़ पे वही लॉटरी वाली गेम थी और वो स्पेन जीत गया। तो ओवरऑल आई थिंक मतलब स्विट्जरलैंड ने बहुत हीरोइक परफॉर्मेंस दिया था, बहुत अच्छा काउंटर अटैकिंग एबिलिटीज दी थी, लेकिन टेक्निकली सुपीरियर स्पेन थी और फिर ऑब्वियसली पेनल्टीज़ पे वो जीत गई थी। तो अब वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गए, लेकिन अगर उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं किया, फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं अच्छा खेला, तो आई थिंक वो सेमीफाइनल्स में वो अच्छा। अली, मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की दोबारा यहाँ पे, और आई थिंक जो उनके कीपर जैन सोमर की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आई थिंक ही इज़ बीन द बेस्ट कीपर सो फार इन यूरोज। वहाब, स्पेन वर्सेज स्विट्जरलैंड, अगर इसके हवाले से हम बात करें तो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक बैक एट हाउ स्विट्जरलैंड केम टू दिस पॉइंट, एंड दे ऑब्वियसली वेंट थ्रू अ वेरी थ्रिलिंग मैच अगेंस्ट फ्रांस एंड दे वन द गेम अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन। हम देखते हैं कि किलियन एम्बापे की जो लास्ट पेनल्टी मिस थी वहाँ से जो है ये मैच जीता स्विट्जरलैंड ने, टूर्नामेंट से बाहर चले गए। लेकिन कैसे यहाँ पे क्रेडिट देंगे स्विट्जरलैंड को कि जो कम बैक करते हुए यहाँ तक आई, उन्होंने एक मिनट के लिए भी हिम्मत नहीं हारी किसी भी मैच में। और फिर अगर हम उनके डिफेंसिव रिकॉर्ड की बात करें, उनके डिफेंडर्स की बात करें, दे वर ऑल ओवर द ग्राउंड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। जी बिल्कुल, स्विट्जरलैंड को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मैच फ्रांस के साथ खेला और जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जिस तरीके की उनका एक पैशन आप हमको देखने को मिला। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, अगर कोई इस तरह की छोटी टीम या इस तरह की टीम जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो फील्ड पे आके अपना पैशन शो करती है, वो मेन चीज़ होती है। लूज होप उनके अंदर थी थ्रू आउट द गेम, हमने फ्रांस वाली गेम देखी, उन्होंने होप को लूज नहीं किया, एक बड़े स्टेबिलिटी के साथ खेले, डिफेंसिवली बहुत अच्छा, जहाँ पे आप बेंजेमा और किलियन एम्बापे और ग्रीज़मैन जैसे स्ट्राइकर आपके सामने हो और आप उनके खिलाफ इस तरह का मैच खेले तो एक बहुत बहुत मुश्किल मैच होता है। आप
अक्सर इस तरह होता है कि आप क्लीन शीट सॉरी मैच शीट देख के या वो टीम के लाइनअप्स देख के आप होप हार जाते हैं कि हमारे सामने इतने बड़े स्टार्स और इतने लीथल प्लेयर हमारे साथ खेलेंगे, वो चीज स्विट्जरलैंड के मैच में हमें बिल्कुल भी देखने और यहाँ पे वहाँ पे एक और चीज़ है कि हम देखते हैं डेविड स्टैम्प्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल किस्म की लाइनअप भी खिलाते हैं, लेकिन इस मैच में आई थिंक फ्रांस के बेहतरीन 11 खिलाड़ी पिच के ऊपर थे। लाइक अली भी एग्री करेंगे कि ये अक्सर हो जाता है कि चलो फ्रांस कोई ना कोई एक अनयूजुअल खिलाड़ी डाल देती है टीम में, लेकिन इस मैच में तमाम अच्छे प्लेयर्स उनकी टीम में थे और फिर उसके बावजूद स्विट्जरलैंड ने जो है यहाँ से वो मैच जीता। जी बिल्कुल, आप अगर डिफेंस से लेके आप आगे फॉरवर्ड तक देखें आपकी टीम ये बेस्ट 11 थी, इससे ज़्यादा बेहतर फ्रांस कोई टीम नहीं खिला सकती थी मेरे ख्याल से। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस आके स्विट्जरलैंड ने दी है वो फिर जिस तरीके का उन्होंने पैशन शो किया है, होप शो की है और जिस तरीके से वो हम कहते हैं कि एक डट के खेलना, एक बहादुरी से खेलना, उस बहादुरी से खेलें और डेफिनेटली फिर उनको उस चीज़ का फ्रूट मिला है। पेनल्टीज पे मैच गया और जिस तरीके से किलियन एम्बापे ने पेनल्टी मिस की, मेरे ख्याल से ये यूरो एम्बापे के लिए उतना उस तरीके से अच्छा नहीं था जिस तरीके से उनके बाकी वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, ओवरऑल जिस तरीके से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं ये यूरो उनके लिए थोड़ा उस तरीके का अच्छा नहीं गुजरा जिस तरीके की परफॉर्मेंस हम एम्बापे से एक्सपेक्ट कर रहे थे मैचेस के दौरान, इस तरह के मैचेस के दौरान, क्रूशियल क्रंच मैचेस के दौरान उस तरह की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से एम्बापे ने नहीं दी। बाकी बेंजेमा वाज आउटस्टैंडिंग, उसका गोल, उसका कंट्रोल और जिस तरीके से उसकी शॉट थी। और फ्रांस ने भी कुछ चांसेस मिस किए हैं ओवरऑल, उस तरीके से वो क्रिएट शुरू में बड़े पैनिक सिचुएशन में चली गई थी। अगर मैच पहला गोल स्विट्जरलैंड का देखें, उसके बाद सेकेंड हाफ का स्टार्ट देखें तो फ्रांस एकदम से पैनिक कर गई थी जब स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी मिस की, उसके बाद इनको थोड़ा होश आया फ्रांस को कि यार अब हमें खेलना है, अब हमने जीतना है। फिर उन्होंने थोड़ा अच्छा खेलना स्टार्ट किया, चांसेस क्रिएट किए, गोल किए, उसके बाद फिर जब स्विट्जरलैंड ने एक गोल किया फ्रांस दोबारा पैनिक में चली गई। तो ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी टीम को खेलने के लिए, जीतने के लिए, वो होता है कि ऐसी सिचुएशन में जब आप 1-0 डाउन हो या आप एक गोल कंसीड कर जाएँ, आपका 2-1 पे आ जाएँ तो आप पैनिक ना करें, जो कि हमने इस टेस्ट चैंप की फ्रांस में थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट देखा है कि वो अक्सर पैनिक कर जा रहे थे, जो कि हमने ये चीज हमने फ्रांस की वर्ल्ड कप में नहीं देखी। उनके उनके दिमाग में ये था कि exactly, हम आए हैं, हम जीतेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे आई विल हैव टू स्टॉप यू वाव। लेकिन अगेन नाज़िम देखिए, हम जिस तरह बात करें हमेशा हम देखते हैं इंटरनेशनल टीम्स में आजकल यूरोपियन जो टीम्स होती हैं उनमें ब्लिप जरूर आता है। वर्ल्ड कप जो 2014 में जीती जर्मनी, जब 18 में खेलने गए रशिया वहाँ से वो नॉकआउट होके पहले निकल गए, स्पेन निकल गए, इटली गई भी नहीं थी, पोर्चुगल जैसी टीम ने फिर पिछला यूरो जीता। तो देर इज़ सो मच हैपनिंग इन यूरोपियन फुटबॉल। हम देखते हैं कहीं जगह पे ये होता है कि आपके पास वेरी गुड सेट ऑफ प्लेयर्स होता है टीम में, लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम उस तरह क्लिक नहीं करती। तो आई थिंक वो क्लिक शायद फ्रांस का थोड़ा सा मिसिंग था इस दफ़ा बहरहाल। लेकिन अगेन क्रेडिट गोज टू स्विट्जरलैंड टू द परफॉर्मेंस दे गेव। और फिर हम जिस तरह हमने बात की स्पेन वाला मैच, लेकिन अगेन स्पेन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि स्पेनिश टीम सिलेक्शन वॉज वेरी 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 कंट्रोवर्शियल दिस टाइम अराउंड। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं गए खेलने के लिए और वी हैड लाइक्स ऑफ प्लेयर्स जो मेरा ख्याल इतना ज़्यादा नहीं खेलते रहे स्पेनिश टीम में। पैब्लो सराबिया को हम देखें, उनाई सिमोन अगेन ही स्टार्टेड एवरी गेम फॉर स्पेन इन दिस यूरोज डिस्पाइट हैविंग सच ब्रिलियंट कीपर ऑन द बेंच। वी नो डेविड डे हेया वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें जो है ये थोड़ी सी शॉकिंग थी यहाँ पर, सर्गियो रामोस का ना जाना, टैनी कारवाहाल का ना जाना। तो बहरहाल यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या कहते हैं आगे स्पेन किस तरह परफॉर्म करती है। ब्रेक लेंगे, यहाँ से ब्रेक से वापस आएंगे, बेल्जियम और इटली के मैच को डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम और यहाँ पे इटली ने बेल्जियम को हराया एंड दे आर थ्रू। लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक, स्टे विद अस।
जी हाँ नाजीन, वेलकम बैक। जिस तरह के ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड वर्सेस स्पेन की, इसके बाद बेल्जियम और इटली की बात करेंगे। अली, बेल्जियम की जो इस वक्त टीम है, आई थिंक ये उनकी गोल्डन जनरेशन है। पिछले 5 साल से हम देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और जब प्रेशर नहीं भी था दे डिलीवर्ड। लाइक आई स्टिल रिमेंबर द गेम अगेंस्ट ब्राज़ील, जहाँ पे ब्राज़ील को हरा के दे वेंट इनटू सेमीज। और एक 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 ख़ास किस्म की जो है यहाँ पे अब इस वक्त टीम है, और रॉबर्टो मार्टिनेज़ काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, थेरी ऑनरी उनके साथ काम कर रहे हैं, दे हैव सच ब्रिलियंट प्लेयर्स। लेकिन अगेन इटालियन टीम की हम अगर दूसरी तरफ बात करें, दे डिडंट गो टू वर्ल्ड कप, और हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी थी। मैंचिनी आए, 32 गेम्स हैं अनबीटन इस वक्त इटली के लिए, एंड तकरीबन 11-12 मैचेस में क्या कहते हैं, उन्होंने गोल भी कंसीड नहीं किया था कमिंग इनटू यूरोस, एंड देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं गेम प्ले जो इस वक्त जोड़ रहा है इटालियन प्लेयर्स को। तो इन दो टीमों का मैच हुआ, एंड जहाँ पे हम देखते हैं कि इटली ने मैच जीता, बेरेला अमेजिंग गोल, पाँव स्विच करके इन्होंने गोल किया, इंसेने ने फिर गोल किया, यहाँ पे लुकाकू ने एक पेनल्टी स्कोर की, बट अगेन सेकेंड हाफ आने की देर थी कि इट वॉज टू लेट फॉर बेल्जियम, दे मिस्ड देयर स्टार इडन हैजार्ड। डे ब्रुइने वॉज ऑन द पिच फिजिकली, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज इंजरी ही कुडंट रियली गिव इज 100%, ऑल दो कि जो 2 से 3 चांसेज यहाँ पे अली क्रिएट हुए वो हम देखते हैं कि वहाँ पे लुकाकू ने वो मिस किया। इटली इज थ्रू टू सेमीज, कैसे देखेंगे अली इसको? देखिए ये बहुत अच्छा मैच था, माई फेवरेट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, और लोग ठीक है बहुत अच्छे मैचेस थे, स्विट्जरलैंड फ्रांस वो एक्साइटिंग थे, गोल फिएस्टा था, 5-3 था स्पेन वर्सेस क्रोएशिया, लेकिन मेरा ये फेवरेट क्योंकि ये एक टैक्टिकल बैटल था बिटवीन टू रियली गुड टीम्स, इटली वर्सेस बेल्जियम। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्वार्टर फाइनल्स में तो ये सबसे अच्छा मैच था, क्यों? क्योंकि देखिए बेल्जियम के पास गोल्डन जनरेशन, उनके पास बहुत ज़बरदस्त टीम है, क्रिएटिव प्लेयर्स है, फिनिशर्स है, अमेजिंग डिफेंडर्स है, लेकिन इटली का देखा जाए तो इटली हैज़ अ बैलेंस टीम, और सबसे बड़ी बात यह कि उनके पास एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर इन द ऑफ रोबर्टो मैंचिनी। उन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट हाफ में जिस तरह आउटविट किया था, आउट बैटल किया था बेल्जियम को, वो बहुत ज़बरदस्त किया था। उन्होंने एक तो अपने चांसेस क्रिएट किए थे, रन थ्रू द लाइंस किया था, और जब उनको मौके मिले थे तो बहुत ज़बरदस्त गोल किया था। बारेला ने बहुत अच्छा गोल किया था, एक ऑफसाइड की वजह से गोल रूल आउट हुआ था, और फिर तीसरा जो सेकेंड गोल था वो एक मैग्निफिसेंट गोल, इंसिनिया ने क्या ज़बरदस्त कर्लिंग शॉट मारा था। उसके बाद अगर देखा जाए तो उनको पता था कि हम अब एक दो गोल्स करने हमें डिफेंड करना है। यस, गोल कंसीड किया था उन्होंने, लेकिन सेकंड हाफ में जो टैक्टिकल बैटल था कि उन्होंने बेल्जियम को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, बेल्जियम ने पूरी जान मारी थी, लेकिन बेल्जियम वो एक्चुअली वो इक्वलाइजर नहीं कर सका। और इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैंचिनी ने फिर क्या लो ब्लॉक डिफेंस डिप्लॉय कर दिया, उसकी वजह से लुकाकू को, साथ में थॉर्गन हैजार्ड को, और साथ में आपका जो डी ब्रुइने था उनको सफोकेट किया था, जिसकी वजह से मैंचिनी इज थ्रू। और देखिए अगर इटली ने ये टूर्नामेंट जीतना है तो मैंचिनी के जो जिसके एक्यूमेन है, जो कोचिंग एक्यूमेन है, वो टेस्ट किया जाएगा, और अगर कोई जिता सकता है तो मैंचिनी कर सकता है। एग्जैक्टली वहाँ बेल्जियम वर्सेज इटली, हमने जिस तरह बात की इटली यहाँ से थ्रू हो चुकी है, टेक्निकली अगर हम देखें, डू यू रियली थिंक कि ये इटालियन टीम इस वक्त जो है ये इस तरह की टीम नहीं है कि जिसमें बहुत बड़े स्टार प्लेयर्स के नाम मौजूद हों, लेकिन ये है कि ये एक ऐसी टीम है कि जिसका जो एक बिल्डअप बनाया उनके मैनेजर ने वो बहुत अच्छा बनाया। जी बिल्कुल, टेक्निकली अगर टेक्निकली इस टीम को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस टीम है, आपको अटैक में, डिफेंस में और मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा बैलेंस आपको मिलेगा। और आप जिस तरीके वहाँ पे एक और चीज़ ये इसके बताने के बाद देखिए, ये भी बताइएगा कि बनुची और किलिनी की क्या इस एज में अभी भी क्या परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, वो भी एक बहुत आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। जी बहुत, मतलब जिस तरीके का डिफेंस में अगर आप देखें, आपने बेल्जियम के साथ मैच देखा, बोनुची और केलिनी की जो परफॉर्मेंस थी, एक गोल भी किया केलिनी ने लेकिन वो ऑफ साइड गोल था, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से इनकी पोजिशनल प्ले, सबसे मेन चीज़ होती है आपके डिफेंडर्स के, आपके सेंट्रल डिफेंडर्स का पोजिशनल प्ले कैसा है, आप अगर पूरी टीम को लाइन को, बैक लाइन को किस तरीके से आप सेट करते हो, ऑफ साइड ट्रैप आप किस तरीके से बनाते हो, और जिस तरीके का एक्सपीरियंस इन दो प्लेयर्स के पास है, मेरा नहीं ख्याल पूरे यूरोप में कोई भी इतना एक्सपीरियंसड डिफेंडर इस टाइम पे होगा, और जिस तरीके की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं थ्रू आउट द यूरोस आपको देखने को मिलेगा कि वो आपको उनका एक्सपीरियंस आपको इनकी हर गेम में नजर आता है, किस तरीके से बिल्कुल काम रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा आगे पुश कर रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा पीछे पुश कर रहे हैं, बड़ा ही बैलेंस तरीके से, और बड़े ही आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक इनकी बैक इटली की बैक लाइन में आपको मिलेगा। और जिस तरीके से आपने बात की थी इनके स्क्वाड की, इटली का स्क्वाड अच्छे प्लेयर हैं, आपको जॉर्जिनियो, बरेला,
वेराटी, इंसीनिये, चीसा, बोनुची, ये प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन आप उस तरीके से जिस तरीके के आपको वो आजकल के जो आपको प्लेयर्स जिस तरह एम्बापे, ग्रीज़मैन, बेंजेमा, इस तरीके के बहुत बहुत बड़े स्टार के नाम, बहुत बड़े स्टार नेम्स आपको उस तरीके से नहीं मिलेंगे, बट जिस तरीके से ये टीम खेलती है, ये एक एक पहली टीम पूरे यूरोप के अंदर, एक मैंने इंग्लैंड का लास्ट मैच अगर आप निकाल दें, उसमें बहुत अच्छा अटैकिंग खेली है इंग्लैंड, उसके अलावा अगर इंग्लैंड की गेम देखें, आप फ्रांस की गेम देखें, आप किसी भी टीम की गेम उठा के देखें, आपको इतना फ्रीली कोई टीम खेलती हुई नजर नहीं आएगी जितना फ्री इटली खेलती है, जिस तरीके से अपने आप को पूरी थ्रू आउट द पिच, थ्रू आउट द मैच एक्सप्रेस अटैकिंग गेम खेलते हैं, वो जिस तरीके से टर्न अराउंड करते हैं अटैक को डिफेंस पे, डिफेंस को अटैक में, तो एक बड़ी ही आपको एक फ्री फ्लो, मैं कहना चाहूँगा फ्री फ्लो फुटबॉल आपको मिलती है, ना डर है किसी चीज़ का कि हम गोल खाएंगे, लेकिन एक बड़े फ्रंट फुट पे रह के इटली खेल रही है। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि यहां पे जो है इटली कितना आगे जाती है। जी बाप, मैं एक जो इनकी जो लास्ट मैच में जो इंजरी हुई थी इनके लेफ्ट बैक को स्पिनेट जोला, जो कि मेरे ख्याल से इटली का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत बहुत अच्छा खेला, और ये बहुत बड़ा इनके लिए सेट बैक होगा आगे आगे की गेम्स के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है था उनकी विंस में, जिस तरीके से वो आगे पुश कर रहे थे, उनके डिफेंसिवली भी बहुत अच्छे थे, अटैकिंग भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, और मेरे ख्याल से इटली की टीम में जो तीन चार प्लेयर जो मोस्ट कंसिस्टेंट इस यूरो में खेल रहे थे उनमें एक नाम इनका है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इटली के लिए आगे जाकर। अगेन लेट्स सी, अब जब आएंगे अगले शो पे तो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट इटली वर्सेस स्पेन। डेनमार्क का गेम था चेक के साथ, अगेन हम देखते हैं कि क्रोएशिया जैसी टीम भी बाहर हुई, और हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ जाएंगी वो, शायद स्वीडन को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आ जाएंगी यूक्रेन ने उनको हराया। खैर चेक और डेनमार्क की गेम की अगर हम बात करें तो डिलेनी और डॉलबर्ग ने यहाँ पे गोल स्कोर किए, पीटर चेक दूसरी तरफ चेक के लिए गोल स्कोर किया। आई थिंक यहाँ पे अगर हम बात करें इस परफॉर्मेंस की, तो डेनमार्क में एरिक्सन का जो एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे वो उनको पिच से लेके जाना पड़ा, उसके बाद डेनमार्क की टीम की एक जो है रिदम और मोमेंटम ही चेंज हो गया, एंड आई थिंक दे हैव बीन वेरी वेरी गुड ऑन द पिच। तो यहाँ से ये मैच उन्होंने जीता, अगला मैच उनका बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, अगेन इंग्लैंड के साथ वो खेलेंगे। प्रोग्राम के एंड में हम बात करेंगे अली यूक्रेन वर्सेस इंग्लैंड, हम एक्सपेक्ट करते थे कि यार स्वीडन आ जाए तो स्वीडन क्या पता इंग्लैंड को ज़रा बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं पुश करता, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे यूक्रेन ने वो मैच जीता, जिनचेंको ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बाकी यूक्रेन के प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंग्लैंड के खिलाफ जब इन्होंने मैच खेला तो यहाँ पे चार गोल इंग्लैंड ने स्कोर किए, एंड इट्स कमिंग होम वाला अब एक जो है थीम इस दफ़ा फिर चल चुका है, और जो एक एक थोड़ा सा क्लिक इंग्लैंड की टीम में रह गया था, जो हम देख रहे थे कि ग्रुप स्टेजेस में उनकी स्लो गेम्स की वजह से लोगों को लग रहा था कि नहीं होगा, वो भी उन्होंने ख़त्म किया है। तो इट्स डेनमार्क वर्सेस इंग्लैंड एंड आई थिंक दे रियली गिव अ गुड परफॉर्मेंस हियर। अली जी देखें, इंग्लैंड अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वर ब्रिलियंट यस्टरडे, मतलब हम मैं खुद चाह रहा था कि स्वीडन खेलता इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि स्वीडन जो थे वो काफ़ी अच्छा डिफेंड कर चुका है, स्पेन को उन्होंने फर्स्ट मैच में निल निल ड्रॉ किया था, और ओवरऑल वो बेहतर खेल रही थी, लेकिन कल तो उन्होंने बहुत ही मतलब कल जो यूक्रेन की जो टीम है जिन्होंने स्वीडन को हराया था, कल के परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रही। आप चौथे मिनट में उन्होंने गोल कंसीड किया था, और उसके बाद इंग्लैंड ने इतना प्रेशर लगाया था, इतना वो प्रेशर लगाया था, और जिसके पूरा उन्होंने फ़ायदा उठाया था, चार गोल्स किए थे, ज़बरदस्त गोल किए थे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर इंग्लैंड का देखा जाए तो उन्होंने यूक्रेन को चांस ही नहीं दिया था, यूक्रेन के पास सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे, और देखिए इंग्लैंड ने ऐसे चांसेस क्रिएट किए थे जिसके मतलब अगर देखा जाए तो रोकना बहुत मुश्किल था। और देखिए सबसे बड़ी बात इंग्लैंड में ये है जो मेरे ख्याल से वो फेवरेट्स हैं, सबसे पहली बात है कि कल 4-0 जीते थे, लेकिन अब सेमीफाइनल फाइनल दोनों वेम्बले पे होंगे, वेम्बले में 60,000 फैंस प्लस होंगे सबसे, और दूसरी बात ये है कि उनकी सारी टीम अच्छी खेल रही है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है जो आई थिंक कॉम्पिटिशन जो बड़े टीम्स के खिलाफ दो मैचेज़ में उनके लिए फ़ायदा होगा, आई थिंक डेनमार्क वो हराएंगे, वो इनके पास डेप्थ है, जब आपके पास डेप्थ होती है तो आप प्लेयर्स को एक्सचेंज कर सकते, स्वाप करके दूसरे प्लेयर्स को ला सकते जो हु मेक डिफरेंस। और यहाँ पे अली एक और चीज भी है कि साउथगेट ने जो प्लेयर्स ट्राई नहीं किए थे ग्रुप स्टेजेस में उनको भी वो इन्वॉल्व
उन्होंने किया राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर की गेम के अंदर, तो आई थिंक वो ब्लेंड भी अब एक दफ़ा दे हैव सीन द सिस्टम ऑफ साउथगेट की जी इस टूर्नामेंट में क्या है। सैंजो की हम बात करें, ग्रिलिश की हम बात करें, तो ये खिलाड़ी भी अब खेल चुके हैं, तो अब वही वाली बात है कि आपका जो पूल ऑफ डेप्थ है वो इन्वॉल्व है सारा, और आप कुछ भी उसमें से उठा के जो है कुछ भी मिस एंड मैच करके आप जो है प्लेयर्स लेके आ सकते हैं पिच पे। लेकिन इट्स स्केरी कि इंग्लैंड के पास कितना डेप्थ है, और इससे बड़ा मौका उनको कभी नहीं मिलेगा एक चैंपियनशिप जीतने के लिए, इसलिए क्योंकि जो रिमेनिंग टीम्स हैं उनके पास इतना डेप्थ नहीं है, साथ साथ में वो घर खेल रहे हैं, तो दे हैव एवरी राइट कि वो इट्स कमिंग होम वाली थीम चल रही है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और देखें, और सबसे बड़ी बात है उनकी डिफेंस भी अच्छा खेल रही है, उनका पिकफोर्ड तो अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ है, एक गोल भी नहीं कंसीड किया है, साथ साथ में यह है आपके दो तीनों डिफेंडर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्टोन्स भी, और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लुक शॉ और मैग्वायर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो देखिए, अभी बहुत मुश्किल है इंग्लैंड को हराना, लेकिन अगर कोई आगे टीम्स हराना चाहती है इंग्लैंड को तो मिडफील्ड बैटल हराना पड़ेगा, बिकॉज आई स्टिल फील कि उनके जो डेक्लिन राइस है फिलिप्स जो है दे गुड प्लेयर्स, लेकिन उनको आप एक्सपोज कर सकते हो, स्पेशली अगर कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टीम उनके खिलाफ खेले। देखते हैं आप इटली क्या करती है। बार नाज़िम, आई थिंक वी आर डन विद टुडेज़ शो, तो ये जो है सिचुएशन देखते हैं कहाँ तक जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, स्पेन और इटली का मैच आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट फॉर आस ये है कि जी अगर इटली यहाँ से आगे आ जाती है, वहाँ से अगर डेनमार्क को इंग्लैंड हरा के आगे आती है, तो फिर इंग्लैंड को जिस तरह अली ने कहा एक्सपोज कर सकती है इटली की टीम, क्योंकि अगेन इटली के पास जो फ्लूइड मिडफील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू अली मेहदी फॉर कमिंग ऑन द शो, थैंक यू अब्दुल वहाब फॉर कमिंग ऑन द शो। नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। सैयद जाफर को फुटबॉल गर्ल्स की टीम को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।